आपको बता दें कि इस पूरे मामले ने इस परीक्षा का आयोजन किया था और बेसिक शिक्षा कार्यालय से अटैच है और लगातार जिस तरीके से परीक्षार्थियों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस बीच संजय उपाध्यक्ष निदेशक बेसिक शिक्षा उपाध्यक्ष फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और निलंबन की मांग लगातार हालांकि जोर पकड़ती जा रही थी। तो सीएम योगी के निर्देश पर सचिव को फिलहाल निलंबन किया गया है और आने वाले समय में कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि बचेगा कोई भी नहीं, सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो जिसने संजय उपाध्यक्ष, जी हाँ, यूपी टेट मामले में सचिव पर गाज गिरी और सीएम योगी के निर्देश पर ये पूरी तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो संजय उपाध्याय योगी के निर्देश पर सचिव को फिलहाल निलंबित किया गया है और लगातार कुछ और भी नाम सामने आने वाले समय में आ सकते हैं। जिस तरीके से जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, परीक्षार्थियों में अभी भी असमंजस की स्थिति है कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। परीक्षा की तिथि अभी तक कोई निर्धारित नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, इस बीच ये जरूर लगातार जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद रद्द हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि एक महीने के अंदर परीक्षा करवाई जाएगी। तो फिलहाल सचिव संजय उपाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, तो निलंबन की गाज गिरी है। तो लगातार कुछ ऐसे और भी नाम सामने आने वाले समय में आ सकते। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अनूप से। अनूप, टेट पर हालांकि मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, गाज गिरना शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए बड़ी कार्रवाई है क्योंकि जिस तरह से यूपी का जो परीक्षा है जिसको कराने का तम संजोग किया गया था, पूरा जो तार था वो जो सचिव है संजय उपाध्याय इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन जिस तरह से यूपी टीटी की जो परीक्षा है वो जो है पेपर आउट हुआ, उसके चलते जो है कितनी बड़ी जो है परेशानी अभ्यर्थियों को उठानी पड़ी और सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है तमाम जो विपक्षी दल है उन्होंने भी तमाम सवाल खड़े किए, जिसके बाद पूरी जो जांच है वो खुद मुख्यमंत्री स्तर से जो है कराएगी। और मुख्यमंत्री की नाराजगी की बात जो है कि यूपी सिटी मामले में जो सचिव है संजय उपाध्याय है इनको निलंबित कर दिया गया है, इनको बेसिक जो निदेशालय है उससे संबंधित संबद्ध कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है ये एक बड़ी कार्रवाई है और इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि इस मामले में जो टॉप लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि सचिव संजय उपाध्याय के ऊपर ही जो है पूरी जिम्मेदारी थी पूरी परीक्षा को जो है अच्छे रूप से अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से कराने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, इस खबर पर आप लगातार नजर रखिएगा, हम आगे के बुलेटिन पे आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार टेट मामले में जिस तरीके से अब आने वाले समय में कई और भी नाम सामने आ सकते हैं, जिस तरीके से जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।